नवादा में इन दिनों एक शादी चर्चा का विषय बना हुआ है। बिना लगन के हुए इस शादी की लोग खूब चर्चाएं कर रहे हैं और काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। दरअसल नवादा में दिव्यांगों की मदद के लिए काम करने वाली एक संस्था ने दो दिव्यांगों के जीवन के बंधन को बांधने का कार्य किया है। आंख से पूरी तरह दिव्यांग युवती को दिव्यांग युवक के साथ शादी कराकर समाज में एक मिसाल पेश की है। सबसे बड़ी बात, बिना कोई दहेज लिए इस शादी को संपन्न कराया गया और सबसे अहम, समाज के सभी बंधन को तोड़ते हुए दिव्यांगों ने अंतरजातीय विवाह कर पूरे समाज में एक मिसाल कायम की है। आज नवादा सोमनाथ मंदिर नवादा में, नवादा बहुत फेमस मंदिर है और एक पंकज कुमार नाम के दिव्यांग है, ये मधेपुरा के रहने वाली है और लड़की 100% दिव्यांग है, जो नेत्रहीन है। हमारे संस्था जोड़ने का काम किया है और ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि दिव्यांग कोई अभिशाप नहीं है और हमें सहयोग करें। जो भी दिव्यांग रहे, गांव-गांव में रहे, तो उन्हें भी हमें तक मैसेज पहुँचाएँ ताकि हम जोड़ने का काम करें और जात पात को हटाना चाहते हैं। जो अभी भी जाति पाति चलता है कि नहीं, जात रहेगा तभी हम शादी अपने बेटी को करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे दिव्यांग भाई एक हैं और एक रहेगा और हमारे संगठन भी एक रहेगा। पंकज जी और संगीता जी की सोमनाथ पर मंदिर में शादी का डेट रखा गया, जो कि आज की सावन का महीना चल रहा, लगन का कोई थी नहीं है, लेकिन इसी बीच पंकज जी से बात हुई और इन्होंने इस माह में शादी करने के लिए तैयार हो गए। हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी मिलकर के इन्होंने शादी संपन्न आज सोमनाथ मंदिर पर कराए और इससे मुझे काफ़ी खुशी मिल रहा है कि इन दोनों खुशीपूर्वक रहने का, जीवन यापन करने का निर्णय भी लिए। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों युगल जोड़ियों ने नवादा के प्रसिद्ध बाबा सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में सात फेरे लेकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। मधेपुरा के पंकज कुमार शास्त्री ने नवादा की संजीता कुमारी के साथ जीवन गुजारने का संकल्प लिया है। इस अनोखी शादी के बाद जो दिव्यांगों ने समाज में एक मिसाल पेश की है, वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने इस शादी के माध्यम से समाज को एक ऐसे संदेश देने का कार्य किया है जिससे समाज में एकजुटता लाई जा सके। यहाँ हमारा चैनल आप लोगों से अपील करता है कि दिव्यांगता एक अभिशाप नहीं है, इसलिए लोग इनसे भेदभाव ना करें।